नमस्कार, अभी एक फ़ोन आया भाने वाले से, जोली ग्राउंड से। कोई सिस्टर उनका कहना कि हमारे घर में काला माँ घुस गया है और रात का 10 बजे का समय है, जल्दी हम भी देखने। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर, इस समय बरसात हो रही, इनके बिलों में पानी घुस गया है और इन्हें इनका जो आसान शिकार है चूहा मेंढक वो हमारे घरों में मिल रहा है। और भोजन पचाने के लिए गर्मी चाहिए होती है, गर्मी पैदा करने के लिए हमारे घरों में आ रहे हैं। इनसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ न करें, खतरा हो सकता है। काफी उम्र का कोबरा और ये कुछ खाकर यहाँ पर बैठ गया है। बहुत कम मौका होता है इसको देखने का, सावन का महीना चल रहा है। काफी और काटने को तैयार। बहन द्वारा फोन किया गया और भाई ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। धन्यवाद भैया आपका। भोजन कर रहा था तो उतना समय लग गया। उन्होंने पकड़ लिया। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ लगे, सांप अगर ये काट लिया तुरंत अस्पताल जाए, किसी झाड़ फूक के चक्कर न पड़े। क्योंकि देखिए ये स्पेक्टल कोबरा है, हम जो ऐनक लगाते हैं, ये देखिए इसके पीछे ऐनक बना हुआ। और हिंदू धर्म में मान्यता है कि गौ का खुर इसके पीछे बना, देखिए काफी चमक रहा है। फिलहाल अभी शांत है, यदि इसको मैंने 1 मिनट में अपने हाथ में रखा तो काटने की कोशिश करेगा तो सुरक्षित पकड़ लेगा। बैठा ना, बहुत उम्र का सांप है या कोई छोटा मोटा सांप नहीं भैया? तभी तो ये तो बहुत आता है यहाँ। आर्ची बेटा हंस रही, धन्यवाद भैया आपका। बहुत बारी सांप है भैया, मैं इतनी चाह रही हूँ। घर के अंदर एक बहुत बड़ा सांप घुस गया था हमारे यहाँ पे, पहले बर्थडे मनाया गया। बर्थडे मनाने के बाद हम सब घर जाने लगे तो इतने में एक नाग हमारे घर के अंदर घुस गया था। और जब वो घुस गया तो हम सब लोग बहुत घबरा गए थे। जब हमें घबराहट हुई तो हमें दिमाग में कुछ भी नहीं आया, तो मुझे सीधे नाम पेले भैया जी का आया है। और मैंने फिर उन्हें कॉल करी है और जैसे हमने कॉल करी, भैया तुरंत हमारे कॉल करने पर यहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचते ही उन्होंने वो सांप बहुत ईजिली में पकड़ लिया है। हम लोग तो बहुत घबरा गए, लेकिन उन्होंने बहुत डेयरिंग से उसे पकड़ा है। और उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक कॉल पर हमारे यहाँ पर आए। धन्यवाद।